दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों को हर काम आसान तरीके से करना है, इसी वजह से इंसानों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सी अनोखी चीज़ें बनाई हैं। ऐसे ही हमें कहीं जाने के लिए कार की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसानों ने कार में भी कई अनोखे बदलाव किए हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी भी कारें मौजूद हैं क्या, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, टील P50 द स्मॉलेस्ट कार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कार हो जो कहीं भी जा सकती हो, तो आप इस कार को ले सकते हैं। इस गाड़ी के सामने मिनी कूपर भी काफी बड़ी गाड़ी लगती है। इसे पील इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा 1962 में बनाया गया। यह गाड़ी दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है, जो 1.3 मीटर लंबी और 1 मीटर ऊंची है। इस छोटी सी कार में सिर्फ एक ही हेडलाइट है, एक ही दरवाजा है। कार का वजन भी 59 kg से लेकर 110 kg तक है। यह इसलिए है क्योंकि इसे आप अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करा सकते हैं। इसमें एक ही सीट और रिवर्स गियर नहीं होता, और यह पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन में आती है। 1965 के बाद में प्रोडक्शन बंद होने के बाद 2010 में P50 ने फिर से वापसी की। कुछ आधुनिक बदलावों के साथ इसके छोटे से साइज में मोटर का भी ऑप्शन जोड़ दिया गया। इसकी अधिकतम रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इलेक्ट्रिक मॉडल की टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर दो, रिंग्स स्पीड स्क्यूबा द अंडरवाटर कार। रिंग्स स्पीड स्क्यूबा को स्विस इन्वेंटर और ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट फ्रेंड रिंगरनेट ने बनाया है, जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने एक ऐसी कार बना डाली जो पानी और जमीन दोनों पर चलती है। यह कार पानी में 10 मीटर तक की गहराई तक जा सकती है। यह सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं तैरती, बल्कि सबमरीन की तरह गोता भी लगाती है। इसमें लगे फ्रेश एयर के टैंक ड्राइवर को फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। इसमें लगे मटेरियल बिना मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाए अच्छे से काम करते हैं। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हो पाया। सिर्फ यह कॉन्सेप्ट कार बनकर रह गई, लेकिन इसमें लगी टेक्नोलॉजीज और एडवांसमेंट ऑटोमोबाइल में क्रांति ला सकती थी। नंबर तीन, बिगफुट। यह मॉन्स्टर ट्रक दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर ट्रकों में से एक है। आपने बिगफुट यानी येतियों की कहानी सुनी होगी। उससे प्रेरित होकर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यह बिगफुट जितना बड़ा दैत्य होता है। आपने मॉन्स्टर शो में मॉन्स्टर ट्रक तो देखे होंगे, लेकिन यह उनसे भी एक कदम आगे है, जिसके टायर सामान्य से बहुत बड़े हैं। इसके बड़े बड़े सस्पेंशन और इसकी गरजने वाली आवाज फैंस को अपनी ओर खींचती है। इसे 1975 में बॉब चैटलर ने बनाया था। इसे बनाने के लिए फोर्ड F-250 के 4 पिकअप ट्रक की जरूरत पड़ी थी। बहुत सारी मॉडिफिकेशन करने के बाद चैटलर को ऐसा व्हीकल मिला जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। बिगफुट का डिफीटिंग मूवमेंट 1981 में आया, जब यह पब्लिक एरिया में कुछ कारों के ऊपर चढ़ गया। इस मूवमेंट के बाद कार क्रैशिंग का खेल सामने आया, जो काफी तेजी से ग्रो हो गया और इसे कई मॉन्स्टर ट्रक इवेंट्स में खेला जाने लगा। नंबर चार, द हेंसी वेनम GT। यह एक हाइब्रिड कार है जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आती है। वेनम GT में लगी मॉडर्न ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इसे दुनिया की सबसे तेज गाड़ी बनाती है। वेनम GT 270.49 माइल्स पर आवर की खतरनाक स्पीड पकड़ सकती है। इसे हेंसी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है, जो कि टेक्सास बेस्ड कंपनी है जो मॉडिफाइड सुपर कार्स बनाती है। इन्होंने वेनम GT को ब्रिटिश इंजीनियरिंग और अमेरिकन पावर को कंबाइंड करके यह मास्टरपीस तैयार किया है, जिसमें 7 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन लगा हुआ है। 1244 हॉर्स पावर इसके हल्के वजन को इतनी रफ्तार देता है। इसके हल्के वजन होने के कारण यह 0 से 60 माइल प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 2.4 सेकंड में पकड़ लेती है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, इसकी मार्वल टेक्नोलॉजी स्पीड की लिमिट क्रॉस करती है, जो इस कार को सबसे अलग बनाती है। नंबर पाँच, द विनर मोबाइल, द हॉट डॉग कार। दोस्तों, आज तक आपने ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी जो अपने डिजाइन के कारण इतनी पॉपुलर हुई। इस गाड़ी को ऑस्कर मेयर विनर मोबाइल भी कहा जाता है, जो हॉट डॉग के आकार की है। 1936 में यह हॉट डॉग व्हील अमेरिकन के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इसे कार्ल जी मेयर द्वारा डिजाइन किया गया था। इस कार को डिजाइन ही इस तरह किया गया था कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। इस कार के अलग अलग वर्जन निकाले गए, लेकिन इसका सबसे पहला मॉडल लाजवाब था। यह गाड़ी पूरी अमेरिका में जाती है, जहाँ ये सेलिब्रेशंस और पार्टीज अटेंड करती है और लोगों को खुश करती है। इसे चलाने वाले ड्राइवर्स को हॉट डॉगर्स कहा जाता है। नंबर छह, थ्रस्ट SSC द सुपरसोनिक कार। थ्रस्ट SSC एक ऐसी कार है जिसने रफ्तार की बाउंड्रीज क्रॉस की है।
15 अक्टूबर 1997 में नेवाडा डेजर्ट में थ्रस्ट एसएससी ने इतिहास रच दिया। पहली बार किसी लैंड व्हीकल ने आवाज की रफ्तार को पकड़ा था। इस रफ्तार तक पहुंचने के लिए रॉयल एयरफोर्स के फाइटर पायलट एंडी ग्रीन ने अपना योगदान दिया था। 763.035 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार के साथ इसने आवाज की दीवारों को तोड़कर सोनिक बूम का रूप ले लिया था। उनका ये रिकॉर्ड आज भी एसएससी थ्रस्ट को दुनिया की सबसे तेज कार में से एक बनाता है। इसे रिचर्ड नोबल, ग्लेन बेकर्स, रोन आयर्स और जेरम बिल्स ने मिलकर बनाया था। यह कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है। इसे चलाने के लिए रोल्स रॉयस स्पॉय 202 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रिटिश जेट फाइटर F4 फैंटम में भी लगा हुआ है। यह इंजन 11,000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण यह कार आवाज की रफ्तार से भी तेज चलती है। और नंबर 7, इकोजेट द बायोफ्यूल सुपरकार। जब कोई कार सबसे अलग और इको फ्रेंडली हो तो इकोजेट उसमें सबसे ऊपर होगी। एक टेलीविजन होस्ट ने जनरल मोटर्स के कोलैबोरेशन करके इस कार के बारे में बताया। इकोजेट जो एक हाई परफॉर्मेंस सुपरकार है जो कि बायोफ्यूल से चलती है। इकोजेट की कहानी 2006 में एक आइडिया से शुरू होती है। इसका यूनिक डिजाइन और इसका पावर सोर्स सबसे बड़ी मुश्किल थी। इकोजेट में हनीवेल 101 लीटर टर्बाइन इंजन लगाया गया है जो कि बायोडीजल से चलता है। यह कार पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके चलते उन्होंने परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसका टर्बाइन इंजन 650 हॉर्स पावर 583 का टॉर्क पैदा करता है, जो कि कार को काफी तेज स्पीड में पुश करता है। इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है, जिससे यह कार और भी हल्की हो जाती है, जो कि इसकी तेज चलने में भी मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे यूनिक कारें। आपको इन कारों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।